सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैशलेस मास्टर में। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप लोगों जो है कई लोग यहां पे पीएसए बनने के लिए ख्याल से आए हैं, तो आपको जो है पीएसए बनने के बाद क्या रोल्स निभाने होते हैं, क्या क्या काम करना होता है एंड किसका कितना प्राइज मिलता है। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट हेल्पफुल रहेगा आपको एंड अपडेटेड जो गाइडलाइंस आई है इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाला हूं मैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है गाइज। एंड जो है इसमें मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ, तो क्या क्या चीज सेल करना होता है, क्या क्या सर्विसेज होती है, कौन कौन से प्लान होते हैं, तो सारी चीजें मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करके भी शो करूंगा आपको। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखने का एक आग्रह करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो बस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे आ करेंगे कि हम पेटीएम में जुड़े क्यों हैं। तो पेटीएम में जुड़े हैं इसलिए क्योंकि ऑनबोर्डिंग करना होता है यहाँ पर। हमारा जो काम है बेसिकली जो ऑनबोर्ड करना होता है, कोई भी मर्चेंट शॉप होती है, आपने ऐसे शॉप्स वगैरह देखी होगी बहुत सारी, तो उन शॉप्स को जो है ऑनबोर्ड करना होता है। वहाँ पे आप पेटीएम का बारकोड देखा होगा आपने, तो बारकोड लगाने का काम होता है, यानी बारकोड यानी क्यूआर कोड बोल सकते हैं आप उसको, क्यूआर कोड ही होता है एक्चुअल में। तो क्यूआर कोड लगाने का काम होता है अपना, और उस क्यूआर कोड लगाने के लिए आपको कंपनी जो पेमेंट कर रही है वो 300 रुपए कर रही है एंड 225 भी। तो दोनों में क्या फर्क है ये भी चीज बात करने वाला हूँ। तो 300 रुपए जब मिलता है, एक एक्टिविटी प्रूफ आता है जिसमें आप दुकान का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हो, तो आपको 300 रुपीज तक मिलता है आपको। एंड जो है बेसिकली 225 जब मिलता है, जब ओनली फॉर आधार से आप ऑनबोर्डिंग करते हो, एक्टिविटी प्रूफ दुकानदार के पास कुछ नहीं है, तो उस बाबत में हो सकता है इन फ्यूचर आप ये वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हो। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि कुछ रूल्स जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आज से बात करें हम 1 मंथ पहले की, तो नॉन फिक्स शॉप जो है ऑनबोर्ड की होती थी पेटीएम में, बट अब जो है टोटली बंद हो चुका है, ओनली फिक्स शॉप ऑनबोर्ड हो रही है यहाँ पर। एंड प्रॉपर जो है उनका बोर्ड होना चाहिए। सनपैक दिया करती थी कंपनी, बट सनपैक बंद कर दिया कंपनी ने। पहले जो प्लानिंग होता था 999 का होता था, अब जो है कंपनी ने 499 कर दिया। हो सकता है इन फ्यूचर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी प्लान चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली जो है टाइम टू टाइम सब चेंज होता रहता है, बट अभी का मूड ऐसा है कि 499 में हमें मिलेगा क्या और हम क्यों पैसा ये 499 दे रहे हैं। तो इस बात की बात के मैं समझाना चाहूंगा कि 499 आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हो कंपनी को, जिसमें आपको कंपनी जो है 50 क्यूआर कोड देती है, 40 एक्सेप्टेड स्टिकर देती है एंड आपको है दूसरा जो 40 मर्चेंट हेल्प डेस्क का स्टिकर देती है। ये तीन चीजें आपको इंक्लूड करके आएगी आपके किट में। ये चीजें आते आते आपको 8 से 10 दिन लग सकता है, मे बी पॉसिबल लॉकडाउन हो कहीं तो वहां पर जो है डिले हो सकता है। अब एक बात करेंगे कि हम जो है पीएसए बने कैसे। पीएसए बनने के लिए हमें जो पेटीएम सर्विस एजेंट होता है इसका फुल फॉर्म, पीएसए बनने के लिए बेसिकली आप पेटीएम ऐप के अंदर जा सकते हो, वीडियो आपको आई बटन पे दिख जाएगी, आप ऑलरेडी ऐसे ही बनना है आपको। तो उसके अंदर जो है आपको रिक्वायरमेंट होगी अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की। पैन कार्ड देने के बेनिफिट्स ये है कि 5% TDS डिडक्ट होता है, सॉरी बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रही हो तो। एंड अगर आपका जो पैन कार्ड नहीं देते हो तो 20% डिडक्ट होता है, पैन कार्ड देते हो तो 5% डिडक्ट होता है। तो बेटर है कि पैन कार्ड आप दे दो यहाँ पर। आप मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए यहाँ पे, 12th पास या फिर 10th पास हो तो भी चलेगा, नो इशू। आप वहाँ पे ऑप्शन आता है वो सब दे सकते हो। एक टेस्ट के थ्रू गुजरना होता है आपको, वो सारी प्रोसेस मैंने ऊपर आई बटन पे जो वीडियो दी है उसमें बता रखी है, मैं आप देख सकते हो। यहाँ पे आप जो है फास्टैग सेल करके भी आप कमीशन अर्न कर सकते हो, प्लस आप ADC मशीन होती है यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेबिट कार्ड या स्वाइपिंग मशीन होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है वो मशीन होता है, वो भी सेल आउट करके आप अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हो। उसमें अप टू 1700 रुपीज आप अर्निंग कर सकते हो। फिर अब जो बात करेंगे हम लोग साउंड बॉक्स का, तो साउंड बॉक्स में जो है 100 रुपये प्लस 150 रुपये, यानी कि 150 प्लस में नहीं, अलग अलग होता है, मंथली प्लान होता है एक और एक होता है लाइफ टाइम फ्री वाला। तो लाइफ टाइम फ्री वाले में आप 150 रुपये अर्न कर सकते हो आप सेल आउट करते हो तो कस्टमर को। एंड अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि साउंड बॉक्स आप सिर्फ मंथली बेसिस पे रेंटल प्लान वाला सेल आउट करते हो तो उसमें आपको ओनली 100 रुपीज मिलता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि यार ये सब चीजें तो हो गई, अब जो अगला जो है हम किसी को एजेंट बना सकते नहीं बना सकते, तो एजेंट भी आप बना सकते हो यहाँ पे, एजेंट वगैरह बना के भी आप मतलब जो है अर्न कर सकते हो यहाँ पर। एडिशनली एक ऑप्शन ये भी है कि आप रिविजिट करके भी यहाँ पे अर्न कर सकते हो पैसा, तो रिविजिट का ऑप्शन टाइमली टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बाकी जो अपडेटेड गाइडलाइंस में ऐसा होता है कि देखिए अब जो ऑनबोर्डिंग करते हो, मेन जो बात है हमारा जिस काम के लिए आप आए हो और मैं सबको की बात करते हैं, तो ऑनबोर्डिंग का जो है आपको 300 रुपये तब मिलता है, 150 रुपये पहले वीक में आएगा, बाकी का 150 जो है 15 तारीख से लेकर 15 तारीख का सर्कुलेशन चल रहा है। ये गाइडलाइंस कभी भी चेंज हो सकती है, अभी जिस प्रकार चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 15 से 15 का स्कीम क्या है भैया? सबसे पहली बात, 15 से 15 का स्कीम ऐसा है कि उसके अंदर जो है आपको 5 डेज ट्रांजेक्शन करवाना होता है। अब जो है गाइडलाइंस चेंज हो गई है, ओनली फॉर पेटीएम ऐप के थ्रू ही एक्सेप्टेबल है।
तो पांच पेमेंट जो है यूनिक होनी चाहिए, पांच पेमेंट कोई भी कॉम्पिटिटर के मोड से भी ऑन मतलब पेमेंट करता है तो भी एक्सेप्टेबल रहेगा। तो उसका जो है 150 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि कुल मिला के ऐसे 300 रुपये मिलता है एंड 225 मिलता है। एक में 75 मिलेगा, ट्रांजेक्शन वाला क्राइटेरिया जो है उसको हम इंगेज मर्चेंट बोलते हैं, उसमें आपको जो है यहाँ पर कुल मिला करके पैसा जो है आपको मोटा मोटी देखने जाओ 300 रुपये मिलता है भैया। तो कुछ इस टाइप से ये चलता है स्कीम हमारा। हाँ, इस पे कुछ क्राइटेरिया वगैरह होता है कि आपका रोल क्या रहेगा। तो रोल ये रहेगा कि आपको पेटीएम फॉर बिजनेस पहले ऑनबोर्डिंग करना है, प्रॉपर शॉप होनी चाहिए, कुछ उसमें बोर्ड में नाम नेम वगैरह होना चाहिए, नाम वाम सब दिखना प्रॉपरली जरूरी है। हो सकता है तो उसके पास अगर आप ट्राई करें, आप हर बार की आप जो है वहां पर एक्टिविटी प्रूफ लें शॉप कीपर का, तो आपको 300 रुपये तक का अर्निंग हो पाएगा। एंड एक्टिव मर्चेंट बनाते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन की तरफ मुंह फेरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन ले लेता है कस्टमर। कई बार को तो देखेंगे आप खुद नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत उसको बोल सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते आप। पूरे मंथ का, एक मंथ का टाइम होता है आपके पास, बट आपके अगर ज्यादा चालाक हो तो आप करवा सकते हो। तो अब बात करूंगा मैं, आप कई लोग बोलते हैं कि वेस्ट वीडियो या फिर ये सब चीजें, तो भैया देखो मैं जो है प्रॉपरली बता रहा हूँ, अब आपकी मर्जी, आप देखते हो तो पूरा वीडियो देखो वरना कोई बात नहीं। मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट बाय बाय। अब आज के इस वीडियो में इतना कवर कर लिया मैंने, तो आई होप ये सिर्फ नए लोगों के लिए था, मतलब जो लोग नए लोग होते हैं उनके लिए, नए जो नहीं आते हैं उनको थोड़ा बहुत बेसिकली कुछ चीज़ें पता रहना जरूरी है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर रिचार्ज प्लान भी आता है हमारे अंदर, तो रिचार्ज प्लान में भी आप इसमें जो है 199 पे करके 299, सभी चीज़ों का अलग अलग होता है, तो उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आई बटन पर आपको दिख जाएगा, वो देख लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।